हमारे साथ मौजूद हैं आबिद रजा। और आबिद रजा, मुझे ये बताएं कि हैदराबाद में गोल्फ डायमंड गोल्फ सिटी की कितनी ज़रूरत थी और इसमें क्या क्या ऐसी खसूसियात हैं जो बाकी प्रोजेक्ट्स में नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अभी तक अभी हमने पहला यहाँ प्रोजेक्ट किया है और हैदराबाद में हमारा ये पहला प्रोजेक्ट है डायमंड गोल्फ सिटी का ना, तो इंशाल्लाह ये हमारा अभी जो इवेंट हुआ है ये फर्स्ट इवेंट है। अभी ऐसे बहुत से इवेंट इंशाल्लाह हैदराबाद वालों के लिए हम लेकर आएंगे, क्योंकि ये एक सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, सिंध की अब तक की दूसरी बड़ी सोसाइटी है बहरिया टाउन के बाद। इंशाल्लाह यहाँ हमारा जो विजन है वो बहुत एक स्टैंडर्ड लिविंग के साथ हम यहाँ पर एक विजन देना चाहते हैं, और इंशाल्लाह ऐसे बहुत से इवेंट्स अभी हम डीलर्स के लिए भी करेंगे, हम अपने जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी करेंगे, और इंशाल्लाह एक ग्रैंड लॉन्चिंग यहाँ पर होगी साइट पर, वो बहुत बड़ी इंशाल्लाह होगी। और ऐसे प्रोग्राम, मुझे प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताइए। प्रोजेक्ट्स की डिटेल, यहाँ पर हमने रिहायशी प्लॉट्स रखे हुए 125-200 गज और 500 गज के, और कमर्शियल हमारे पास 100-200 गज के हैं, और इसमें हमने फार्म हाउसेज भी रखे हैं, 2000 और 3000 गज के फार्म हाउसेज हैं, बाकी हमने कमर्शियल फ्रंट पे रखे हैं जो कि 1000-2000 गज के कमर्शियल्स हैं, और काफ़ी एमिनिटीज़ हैं, और इसमें स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और मस्जिद और पार्क्स वगैरह, मतलब जो भी एक स्पोर्ट्स अकेडमी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर शाहिद आफरीदी क्रिकेट अकेडमी हम लेकर आएँ, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही आफरीदी ने अपने खुद से ऐलान किया है कि शाहिद आफरीदी अकेडमी का कि मैं वहाँ। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स? अभी तक तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि और अच्छा मज़ीद अच्छा रिस्पॉन्स आए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्रोजेक्ट बहुत ऊपर जाएगा। थैंक यू सो मच।